ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सरकार की जन सुनवाई को लेकर। लगातार अब पीसीसी मुख्यालय में नेताओं की ओर से, मंत्रियों की ओर से जन सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। आज पहले दिन मुख्यमंत्री के अलावा जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जन सुनवाई की गई, तो वहीं पीसीसी मुख्यालय में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे। विमल जी, क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय नेताओं का जो मसला मैंने कहा अभी, क्या स्थानीय नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को अपने अपने इलाके में जनसुनवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय नेता जो अपने इलाके में जनसुनवाई नहीं करते हैं। हाँ। रोजाना सांसद हो चाहे एमएलए हो, उनके घर पे कई लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर तो मैंने देखे, आदरणीय कालीचरण जी सर, आपके यहाँ चले जाए आप, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं, दूसरे क्षेत्र के कार्यकर्ता आते हैं, ऐसे कई हमारे जो एमएलए एमपीज हैं उनके घरों पर सब लोग यहाँ कार्यकर्ता समस्याओं के लिए लेकर जाते हैं और उनका समाधान होता है। वो फोन सुबह 2-3 घंटे सिर्फ इसी बात के लिए बैठते हैं कि तो सर वो लोग कौन है जो सीधा मंत्रियों के पास जा रहे हैं? विमल जी, वो लोग कौन है जो सीधा मंत्रियों के पास जा रहे हैं तो वो उसके लिए समाधान करते हैं जी? वो लोग कौन है जो सीधा मंत्रियों के पास जा रहे हैं? जब मंत्रियों के पास जाते हैं, जो मान लो जिसका क्षेत्र में जनप्रतिनिधि से सीधा सीधा संपर्क जनप्रतिनिधि से नहीं है, सीधा संपर्क जहां तो क्या संपर्क नहीं होना चाहिए? डायरेक्ट वहां नहीं कर रहे, आप ये कह रहे कि संपर्क नहीं होना चाहिए जी? एमएलए जो अधिकारी किनका संपर्क, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जिसको वोट देकर जनता ने जिताया, क्या उसका संपर्क जनता के साथ नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है, सीधा संपर्क होता है लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख वोटर होते हैं, तो 2 लाख वोटर का सीधा संपर्क एमएलए से थोड़ा होता है। वो कई लोग हिचकिचाते हैं जाने में, कई लोग जान पहचान की बात करते हैं, कई लोग किसी प्रकार की बात करते हैं। और सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सीधा मंत्री के पास कोई व्यक्ति जा रहा है विधायक के पास जाने में हिचकिचाएगा? वो वहां नहीं जाते, सीधा मंत्री के पास जाने में हिचकिचाहट नहीं होती है उसको, विधायक के पास जाने में हिचकिचाहट होती है? विधायक आप बात को समझिए, आप बात को समझिए, सर को समझिए, समझाइए। एक जनप्रतिनिधि के पास में जब जनता कार्यकर्ता वहाँ जाती है, वहाँ पर सुनवाई होती है, वहाँ सुनवाई करते हैं। और यदि पार्टी दफ्तर पर कोई मंत्री वहाँ बैठते हैं तो एमएलए भी उन मंत्रियों के पास जाते हैं सुनवाई करवाने के लिए कि हमारे हमारे इलाके में ये अधिकारी हमारे बात नहीं मानता है, ये व्यक्ति हमारी सुनवाई नहीं करता है, इसके लिए बात कीजिए। कुछ और प्रॉब्लम्स होती है एक प्रतिनिधि के पास में, 10 प्रकार के काम होते हैं, कार्यकर्ताओं के पास 10 प्रकार काम, और सर मंत्रियों के पास में कोई काम नहीं होता, इसलिए मंत्री खाली बैठे हैं। जनप्रतिनिधि के पास भी जाते हैं और उस क्षेत्र के अलावा, उस क्षेत्र के अलावा जब कोई मंत्री वहां पर दफ्तर में बैठता है तो पूरे राजस्थान के लोग वहां पर आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जयपुर के लोग वहां पर आते होंगे, पूरे राजस्थान के लोग वहां पर आते हैं अपनी अपनी समस्याओं। विमल जी, लगता है आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। सर मेरा सवाल ये था कि पूरे राजस्थान के लोगों को मंत्री के पास ना आना पड़े, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए, पूरे राजस्थान के लोग मंत्री के पास नहीं आए, ये व्यवस्था तो पहले से है, वहां जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। हाँ। और कई लोग सब जगह से हताश हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर आते हैं, ये चैनल है, ये यानी सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे, तो कांग्रेस स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? बीजेपी दफ्तर पर इस प्रकार की जन सुनवाई उन्होंने देखी है और उसका रिजल्ट देखा है, तभी तो कांग्रेस ने उसका अनुसरण करके अपने कार्यालय पर शुरू किया है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में कर रहे हैं, मंत्री दफ्तर पर बैठ के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ देखा है कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस की सरकार को बीजेपी के कार्यकाल में होते हुए देखा उन्होंने, इसलिए तो अपने कार्यकाल ठीक है। चलिए ठीक है सर, अवधेश जी सर आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या आप दोनों नेताओं की बात से कोई आकलन कर पाए हैं? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर भी नेताओं को सुनवाई करनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विधायक ज्यादा बिजी हैं और मंत्री जी फ्री बैठे हैं। अवधेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं सर आप? अवधेश जी, सर मेरी बात पहुंच रही है आप तक? चलिए सुन पा रहे हैं सर मुझे? अवधेश जी,
अवधेश जी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर भी समस्याओं का समाधान होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एक तरफ अभी विमल जी ने कहा कि विधायक जी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या सर मेरा सवाल ये कि मंत्री जी के पास कोई काम नहीं है, मंत्री जी फ्री बैठे हैं जो तमाम राजस्थान के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और एक विधायक अपने इलाके के 2 लाख वोटर्स को नहीं सुन पा रहा है? अवधेश जी आवाज नहीं पहुंच पा रही आप तक। चलिए ठीक है सर, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। वरुण पुरोहित जी सर आप समझा दीजिए मेरे को किस तरह से, चूंकि विमल जी तो कह रहे हैं कि विधायक जी के पास समय नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम हैं। नहीं आ रही है हम तक। क्या मंत्री जी सभी समस्याओं को समाधान कर पाएंगे अगर पूरे राजस्थान की जनता उनके पास पहुंचेगी तो? वरुण जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आऊंगा एक बार फिर से आप सभी के पास। तो सवाल लगातार यही बना हुआ है कि क्या स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होना चाहिए, और जो आरोप लगा रही है बीजेपी कांग्रेस सरकार के ऊपर कि नकल की जा रही है। अवधेश जी सर अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो सर मेरा सवाल यही था कि अभी विमल जी ने कहा कि विधायक जी के पास बहुत सारे काम हैं, जनता झिझकती है स्थानीय नेताओं के पास जाने में, लेकिन मंत्री जी जिनके पास पूरा मंत्रालय, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या मंत्री जी के पास लोगों को पहुंचना होगा, स्थानीय नेताओं को नहीं सुननी होंगी स्थानीय लोगों की समस्याएं, अगर पूरे राजस्थान के लोग मंत्री जी के पास पहुंचेंगे तो आखिर कैसे इतनी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? अवधेश जी देखिए पराग जी, जितनी भी सरकारें रही हैं, जो मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे यहाँ पर लोगों की समस्याओं के समाधान का जी, वो मैकेनिज्म ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको दुरुस्त करने की तरफ ध्यान किसी का नहीं है, और इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिससे जनता बिजी रहे कि भाई आपकी बात मैंने सुन ली, मैंने उस अफसर को बोल दिया, काम होगा नहीं होगा इसकी मॉनिटरिंग का की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। लोग आना तब बंद होंगे जब जो आपने मैकेनिज्म बना हुआ है पहले से वो ठीक ढंग से काम करे। अब वो काम क्यों नहीं करता है? वो काम इसलिए नहीं करता है कि आपके जो अपॉइंटमेंट है सारे अधिकारियों के, नीचे पटवारी से लेके पूरे ऊपर कलेक्टर तक, इवन चीफ सेक्रेटरी तक, वो सारे के सारे पॉलिटिकल हैं। आप जैसे ही सरकार बदलती है आप देखते होंगे लंबे चौड़े तबादले के आदेश निकलते हैं। वो आदेश कैसे होते हैं? वो परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं होते हैं, वो डिजायर के बेस पे होते हैं। कौन स्थानीय स्तर पर किसको पसंद कर रहा है, किसके लिए डिजायर कर रहा है, वो वहां पर पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर उस तरह से वहां पर लगेंगे। तो ये आपने अरेंजमेंट कर रखा है तो लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा जी? जो अधिकारी अपने किसी राजनीतिक आका की पहुंच से उस जगह पर तैनात हुआ है तो उसका काम जनता की समस्याओं का समाधान करना नहीं होगा, उसका एक ही काम होगा कि कैसे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उसको किस तरह से खुश रखा जाए। तो वो उसी उधेड़बुन में लगा रहता है, उसकी जनता की समस्याओं से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। यदि आप कर दो उसको परफॉर्मेंस के बेस पर तो पूरी तरह से इस तरह की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। तो राजनीतिक दखल जो है, पूरा जो मैकेनिज्म बना हुआ है अपना ऊपर से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके और नीचे के लेवल के अधिकारी तक, उसमें जब तक उसको जब तक राजनीति से दूर नहीं करेंगे ये मैकेनिज्म ठीक होने वाला नहीं है। और ये इसको ठीक करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब इस तरह की जन सुनवाई के नाम पर मुंह दिखाए की रस्म अदा करते हैं, और इस तरह की जो रस्म है पूरी तरह से वो सरकार की नाकामी की निशानी है। ठीक है वरुण जी, क्या यही हकीकत है, यही सच्चाई है कि सिर्फ नेताओं को कुछ करो, जनता भटक रही है तो भटकने दो? नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल असहमत हूँ मैं अवधेश जी की बात से। अगर राजनीति से आप एग्जीक्यूटिव को अलग कर दोगे तो मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के इनका मतलब ही गहरा जाएगा अगर इनकी अधिकारी सुनेंगे नहीं तो। और जो एमएलए बनता है अपने, वैसे तो नहीं सर ये कब कहा कि सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर वो एमएलए बनता सर ये तो कहा ही नहीं है कि उनकी बात ना सुने। नहीं
हाँ तो फिर अगर एमएलए की बात अगर अधिकारी सुन रहे हैं तो जनता जो एमएलए है उस अपने क्षेत्र के काम करा ही रहे जब भी वो विधायक चुना जा रहा है वहां से। रही बात आपकी डिजायर सिस्टम की, इसको थोड़ा सा चेक लगाना चाहिए। हाँ। ये हर सरकार में आ रहा है किसी पार्टी की हो। हाँ। लेकिन आप राजनीति से एग्जीक्यूटिव को अलग कर दोगे तो फिर तो लोकतंत्र ही क्या रह जाएगा, एग्जीक्यूटिव के हाथ में सब कुछ हो जाएगा तो जनप्रतिनिधि। सर ये किशोर इशारा कर रहा है कि कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि, कोई भी स्थानीय शख्स है उसकी सुनवाई ना तो अधिकारी कर रहे हैं ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो वो मंत्री के पास पहुंचना सीधा, तो उसको क्या समझा जाए फिर? नहीं, मंत्री भी तो जनप्रतिनिधि होता है भाई, उसके विभाग के कार्य के लिए आदमी जनता तो जाएगी उसके पास। अधिकारी नहीं सुन रहा है तो शिकायत करता है, मंत्री उसका उसके खिलाफ एक्शन लेता है। हाँ। यही तो सारा सिस्टम है, मैकेनिज्म हो रही गया। ठीक है, मान लीजिए आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है विमल जी, आऊंगा आपके पास। ठीक है विमल जी आऊंगा, लेकिन अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पराग जी, मैं देखिए छोटी सी एक जो व्यवस्था जो कलेक्टर से लेके पटवारी तक नीचे के लोगों ने कर रखी है। हाँ। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, उससे यदि उसको ही सरकारें ठीक कर लें तो वो ठीक हो सकती है। हाँ। आप किसी भी कलेक्टर के दफ्तर में जाइए, एसडीएम एडीएम के दफ्तर में जाइए, वहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है मिलने का समय। वो कितना होता है? 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। क्यों भाई? आप किसी जिले के कलेक्टर हो तो आप लोगों से 2 घंटे 3 घंटे क्यों मिलेंगे? कोई दूर दराज के गांव से आपके पास मिलने के लिए आ रहा है, वो अपनी समस्या लेके आ रहा है, वो इस फिक्स समय में ही आपसे क्यों मिले? मान लीजिए कोई सुबह 9:30 बजे दफ्तर खुलते ही आ गया, वो आपसे 3 बजे तक आपसे मिलने के लिए इंतजार क्यों करे? ये नियम अपने आप लोगों ने लगा दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है, उन्होंने अपने आप एक परंपरा डाल दी कि हम 2 घंटे के लोगों से मिलेंगे रोज। कोई भी आदमी आपके पास आया है, आप दफ्तर में बैठे हैं, आप यदि बिजी हैं तो आप मत मिलिए, लेकिन आपने तो बाहर नोटिस ही लगा दिया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही हम मिलेंगे। तो आप 2 घंटे लोगों से मिलेंगे, उसमें भी आप कितने लोगों को सुन लेंगे 2 घंटे में? तो जब नीचे सुनवाई नहीं होती है तो ऊपर आदमी आता है, लेकिन ऊपर जो आदमी आता है तो वो किसी भी मंत्री के पास आ जाए, मुख्यमंत्री के पास आ जाए, वापस डायरेक्शन किसको देते हैं? वो वापस उसी आदमी को देते हैं जो पहले सुनवाई नहीं कर रहा था। हाँ। तो जब वो पहले सुनवाई नहीं कर रहा है तो वो बाद में सुनवाई कैसे कर लेगा? उसका आपके उसको चेक करने के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई सरकार इसको बनाने के लिए सोचती है। ठीक है विमल जी, क्या जो टाइम बाउंडेशन है वही बाधा आ रही है? देखिए पराग जी, हर इस पूरे सिस्टम को यदि आप देखेंगे तो हर सिस्टम में समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग स्तर बने हुए हैं। मैं अगर कोर्ट की बात करूं, आपको इन उदाहरणों के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। यदि कोर्ट की बात करें, किसी भी दो पक्षों में विवाद होता है तो सबसे पहले वह लोअर कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती उसके हिसाब से तो वो अपर कोर्ट में जाता है। हाँ। जिला स्तर के कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। हाँ। अब आप कह दें ये बात कि अगर क्यों सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता है, हाई कोर्ट की क्या आवश्यकता है भाई, उसकी समस्या का समाधान नीचे नहीं हो रहा है इसलिए वो ऊपर तक जा रहा है। इसी ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने जिला प्रशासन पर भी देखने को मिलते हैं। बिजली विभाग में जेईएन बैठता है, ईएन बैठता है, एक्सएन बैठता है, एसी बैठता है, फिर उसके ऊपर मंत्रालय है। हर समस्या का समाधान करने के लिए स्तर बना होता है और इसके लिए जनप्रतिनिधि और सरकार सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। यदि जनता की सुनवाई, कार्यकर्ता की सुनवाई जनप्रतिनिधि के प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो उनको लगता है कि जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे तो जनप्रतिनिधि का उन प्रशासन के लोगों पर प्रभाव होता है, उस प्रभाव से वो काम होता है इसलिए उनके पास जाते हैं। यदि एमएलए के पास किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वो कार्यकर्ता या जनता मंत्री के पास जाने की कोशिश करता है। मंत्री यदि डायरेक्ट अवेलेबल है तो वो क्यों नहीं वहां जाएगा? इसलिए ये जन सुनवाई का कार्यक्रम जो होता है वो डायरेक्ट इसलिए होता है कि यदि आपके पास एमएलए का कोई एमएलए की जन सुनवाई नहीं हो रही है या जनता की जन सुनवाई नहीं हो रही तो सीधा की सीधे वो मंत्री वहां बैठता तो मंत्री के पास चला जाए, और मंत्री भी यदि नहीं सुने तो वो एक समय लेकर मुख्यमंत्री के पास चला जाए। इसलिए समाधान होने के कई स्तर बने हुए, उन स्तर पर जनता। ठीक है, ठीक है अवधेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, आप ठीक है। किसी उसका विरोधी कार्यकर्ता होता है, उसकी एमएलए सुनवाई नहीं करे, ठीक है सर, सुन लीजिए आप अवधेश जी को, सुन लीजिए। मंत्री बैठा है तो मंत्री के पास जाके उसकी जन सुनवाई। ठीक है अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इस प्रकार की यदि व्यवस्था है तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? कांग्रेस भी इसका अनुसरण करती है तो कहीं ना कहीं जनता का भी भला होगा, कार्यकर्ताओं का भला होगा और एक अच्छी सरकार। सर सुन लीजिए अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? अवधेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप?
चलिए संपर्क नहीं हो रहा, दोबारा आऊंगा सर आपके पास। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे आप भी। वरुण जी सुन पा रहे हैं सर? लगता है तो उनका फोन कट गया है। तो सवाल यही कि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से अभी विमल जी ने पूरा समझाने की कोशिश की है कि एक कड़ी के तहत लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचना चाहिए, और सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि आखिर कहां पर हैं, क्यों लोगों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रही और सीधा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास लोगों को जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक स्थानीय तौर पर ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी कि लोगों का वहीं पर समाधान हो जाए, ताकि सीधा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास लोगों को ना जाना पड़े। तो क्या जनसुनवाई में जनता की उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, ये सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। क्या जनसुनवाई में कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी? और जो नकल करने के आरोप बीजेपी लगा रही है उनमें कितना दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो स्थिति कांग्रेस की सरकार में है जनसुनवाई की, वही बीजेपी की सरकार में रही और फिर भी पहले भी लोग मंत्रियों के पास पहुंचते थे अपनी समस्याओं को लेकर, आज भी पहुंच रहे हैं। अवधेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? जी सर, पराग जी जो विमल जी ने जो कंपैरिजन किया हमारे जो जुडिशरी में जो का जो टायर सिस्टम है उसका, इससे वो करना ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी लोअर कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अपील करने तब जाता है जब वो फैसला हो जाता है जी। यहाँ तो फैसला नहीं हो रहा ना, सुनने को ही कोई तैयार नहीं है यहाँ पर, तो वो फैसला ही होता है। देखिए इस बात को वरुण जी भी मान रहे हैं और विमल जी भी मान रहे हैं कि जो नीचे का हमारा जो मैकेनिज्म है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए सरकारों ने क्या किया इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप उसको ठीक कर देंगे तो यहाँ लोग आएंगे, फिर भी आएंगे लेकिन उनकी संख्या कम हो जाएगी। जो मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में 4-5 हजार लोग आते हैं 2-3 घंटे में, उतने नहीं आएंगे। इतने जब लोग आएंगे तो उनकी सुनवाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुख्यमंत्री 2-3 घंटे में जब 4-5 हजार लोगों की समस्याएं सुनेंगे तो कितने सेकंड एक को मिलेंगे? कितने सेकंड नहीं, सरकार की आवश्यकता इसलिए ही है कि जो सिस्टम है उसको ठीक ढंग से काम करे। सरकार का इकबाल ही तो होता है, नीचे जो अफसर है वो काम टाइट करता है सारे प्रशासन को, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा, वो तो इसलिए तो होती है ना कि सरकार होती इसलिए कि जो डेमोक्रेसी है तो आपको जनप्रतिनिधि की सुननी पड़ेगी, उसके बाद जनता जाएगी जाएगी डायरेक्टली, या कोई आपके वो थोड़ी है मिलिट्री रूल के साथ बिल्कुल जनता कहीं जा ही नहीं सकती। बिल्कुल सुननी अवदेशी अवदेशी मैं देखिए देख रहा हूँ शुरुआत से, अवदेशी मैं शुरुआत से देख रहा हूँ सर, आज की डिबेट में सबसे खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से एक ही सुर मिल रहे हैं। अवदेशी दोनों तरफ से एक ही सुर मिल रहे हैं आज, ये खास बात है आज की डिबेट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इशू ऐसा है, बात नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, डेमोक्रेसी की बात है, तो कोई भी पार्टी होगी जनप्रतिनिधि का हम से इम्पोर्टेंस तो रहती है ना। हाँ। और कार्यकर्ता तो हर पार्टी का होता है, कार्यकर्ता ही तो उस पार्टी को वोट दिलाता है, मोहल्ले में वो ही रहता है, जनता के बीच वही रहता है। यदि आप यदि यह डिबेट इस बात पर होती कि किस कार्यकाल में जनसुनवाई ज्यादा उचित होती है उचित हुई है तो शायद कांग्रेस बीजेपी का हमारा कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन डिबेट इस बात पर है कि जनसुनवाई महत्वपूर्ण है कि नहीं है। नहीं सर आप बताइए ना, फिर आप बता दीजिए कि किस तरह से जनसुनवाई होनी चाहिए और बीजेपी की जनसुनवाई में क्या अलग था और कांग्रेस सरकार की जनसुनवाई में क्या अलग हो रहा है। विमल जी विमल जी सुन पा रहे हैं सर? कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के
विमल जी, सर आपसे समझना चाह रहा हूं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर डिबेट इस बात पर होती कि क्या अंतर और किस तरीके से जन सुनवाई होनी चाहिए, तो सर आप बताइए किस तरह से होनी चाहिए और क्या अंतर रहा बीजेपी में, किस तरह से जन सुनवाई होती थी और कांग्रेस सरकार किस तरीके से कर रही है। देखिए मैं बीच में बोलूं आपको, जन सुनवाई तो पुराने हमेशा पुराने टाइम से होती आई है, अशोक गहलोत। ठीक है वरुण जी, वरुण जी वो कह रहे हैं कि अंतर है, अंतर समझ लेते हैं एक बार। जाता था, ठीक है कह रहे हैं अंतर है, अंतर बताइए। नहीं कोई अंतर नहीं है, पार्टी के आइडियोलॉजी का अंतर होता है बस। ठीक है विमल जी, मैं बताता हूँ अंतर आपको। हमारे टाइम पर अभी इन्होंने तो शुरुआत की है, हमारी जन सुनवाई होती थी तो मैं आपको उसका सिस्टम बता देता हूँ। हाँ। कि एक मंत्री और एक पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी कैसे शुरू किया है, उसके वसुंधरा जी से पहले मुख्यमंत्री बन गए थे राजीव गांधी उस जमाने में, जब आपकी दो ही सीटें कार्यकाल में सुनवाई जब भी होती थी, प्रदेश कार्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम से शुरू हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो जब वहां बैठते थे तो उसका फॉलोअप भी होता था, उसके पीछे पांच लोगों की टीम लगाई जाती थी और पांच लोगों की टीम इस बात पर चर्चा करती थी कि फलाना जो जन सुनवाई में समस्या आई है उसका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ। बदले में वहां से पार्टी कार्यालय से उस व्यक्ति के पास फोन जाया करता था कि आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। यदि समस्या का समाधान नहीं होता था तो उसको फॉलोअप वापस करके और उस समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमेशा से होता है। अब कांग्रेस के कार्यकाल में ये लोग उस जनसुनवाई को सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं कि उसको वास्तव में जनसुनवाई करना चाहते हैं, ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा। ठीक है वरुण जी, सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार जनसुनवाई करके या फिर समाधान भी होगा? मैं मेरी बात सुनिए, अगर दिखावा कर रही होती तो कांग्रेस सत्ता में आती क्यों? आप इसको क्यों नहीं एनालाइज करते हो? अगर इनकी जन सुनवाई से समस्याएं हल हो रही होती, अवधेश जी ने कहा 80% नहीं होती थी, ये तो कुछ पत्रकार हैं। ठीक है, अभी तो जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, अब जनता अगर कांग्रेस सही नहीं करेगी सुनवाई तो ठीक है सर। एक आखिरी कमेंट अवधेश जी आपका मैं लेना चाहूंगा इस पूरे मामले को, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसको। ठीक है सर अवधेश जी, जल्दी से एक आखिरी कमेंट। सर मैंने जैसे आपको पहले कहा, जब तक समस्याओं के समाधान का समस्याओं के समाधान का जो मैकेनिज्म है उसमें जो खामियां हैं उनको दूर कीजिए, तो इस तरह के की जनसुनवाई के नाम पर जो मुंह दिखाई है उसकी रस्म आपको अदा नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की जो नाकामियां हैं उनकी निशानी आपको नहीं दिखानी पड़ेगी। आप उस सिस्टम को ठीक कर लीजिए, कम लोग आएंगे बस आपके। 10 महीने में कौन सी नाकामी हो गई? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों को मेरे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे पीसीसी में जनसुनवाई को लेकर। दरअसल हम भी ये चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया जाए, मंत्रियों तक जनता की समस्याओं को पहुंचाया जाए ताकि उनको भी पता लगे कि आखिर किस किस इलाके में कौन कौन सी समस्या ज्यादा है और वहां के स्थानीय अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को ये बताया जा सके, उनको आदेशित किया जा सके कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन सवाल ये भी बना हुआ है कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहिए, जो सीधा मंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास लोगों को पहुंचना पड़ रहा है। फिलहाल बड़ी बहस के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।